नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज और मैं आपके साथ सिमी दानी। जहां एक तरफ प्रदेश का शासकीय कर्मचारी अनिश्चितकालीन के आंदोलन की राह पर है, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने विभिन्न त्योहारों में कर्मचारियों को मिलने वाली त्योहार की अग्रिम राशि 8,000 की जगह बढ़ाकर 10,000 कर दी है। इससे कर्मचारियों को 2,000 रुपये का फायदा होगा। बता दें कि सरकारी कर्मचारियों को बिना ब्याज के मिलने वाली अग्रिम राशि को प्रति माह आसान किस्तों में वेतन से रिकवरी की जाती है। इसका लाभ यह होता है कि कर्मचारियों को यदि सैलरी नहीं भी मिली है तो त्यौहार के सीजन में उनके खर्च नहीं रुकते। गौरतलब है कि अपनी दो सूत्री मांगों को लेकर अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला गया है। हड़ताल के दौरान कर्मचारी अलग अलग शहरों के मुख्य मार्गों से रैली निकालकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। फेडरेशन के आह्वान पर सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के साथ न्यायिक कर्मचारी भी अपनी महंगाई भत्ता और HRA को लेकर आंदोलन पर उतर गए हैं, जिनकी वजह से जिनके हड़ताल पर चले आने से सरकारी दफ्तरों की कुर्सियां खाली हो गई हैं। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आरजे न्यूज के साथ। नमस्कार।